बोलो बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ बताओ बच्चे। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जितनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। न्याथी जी बोलवा दो, न्याथी उभो बोलवा दो, नहीं स्पीड में बोल। सर उनको जितनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिल रही, और जो ये जो बड़े बड़े नेता है वो मैंने देखा है कि वो लाखों की पेन से लिखते हैं और लाखों के कपड़े पहनते हैं, और जो जो सही में और जो और सर जो उनके महलों में काम करते हैं उनके महलों को साफ रखते हैं उन्हें ही वो सही सैलरी नहीं दे रहे। थैंक यू। तो लगभग बता, अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका तो 10-10 लाख रुपए का पेन है, उनका तो 10-10 लाख रुपए का सूट है, आप लोगों को 10,000 रुपए महीना भी नहीं मिलता। आपकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको खत्म करके आपको पक्की नौकरी देंगे, आप सबकी नौकरी पक्की की जाएगी, जितने कच्ची नौकरी में है ठेकेदारी पे उसको सबको खत्म किया जाएगा। आज तक 75 साल में हमने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। दो तरह की शिक्षा हमारे देश में, एक अमीरों को मिलती है प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, एक गरीबों को मिलती है सरकारी स्कूल में मिलती है। सरकारी स्कूलों का हाल बहुत खराब है और हमारे समाज के लोग गरीबी की वजह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। सरकारी स्कूल में भी जितने बच्चे पढ़ते हैं गरीब का बच्चा गरीब बन जाता है, अमीर का बच्चा अमीर बनता है प्राइवेट स्कूल में जाके। दिल्ली के अंदर हमने इसको बदलने का प्रण लिया, दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, सारे सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दिए कि 4 लाख बच्चों ने, 4 लाख मां बाप ने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूलों के अंदर। अब दलितों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, आईएएस अफसर बन रहे हैं, आईपीएस अफसर बन रहे हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। बाबा साहब का सपना पिछले 75 साल में पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने कसम खाई है बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करें, अब पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे कर रहे हैं, एक मौका गुजरात के अंदर दे दो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दूंगा, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, राजनीति मतलब मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को पैसे खाने नहीं आते, ईमानदार आदमी हूं, राष्ट्रभक्त देशभक्त आदमी हूं, मेरे को गुंडागर्दी भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, ये मेरी गारंटी देके जा रहा हूं आज भी। एक मौका दे दो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5 साल का एक मौका दे दो, इनको 27 साल आपने दिए, मैं एक मौका मांगने आया हूं। आज आप महंगाई की वजह से परेशान है हम सब लोग, हमें मौका मिलेगा आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बिजली मुफ्त? दिल्ली में हर परिवार को बिजली मुफ्त मिलती है, 24 घंटे मिलती है और मुफ्त मिलती है। पंजाब में भी हमने बिजली मुफ्त कर दी, 24 घंटे और मुफ्त बिजली कर दी, गुजरात के लोगों को भी बिजली मुफ्त देंगे, आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपके स्कूल अच्छे करेंगे, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, एक एक बच्चे पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो एक एक बच्चे पे कम से कम 2,000 रुपए 3,000 रुपए तो प्राइवेट स्कूल में खर्चा आ जाता है, अगर 3 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो 10,000 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल में खर्च होता है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आपके पैसे बचेंगे। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सरकारी अस्पतालों में सारे लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आपको चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त,
ऑपरेशन मुफ्त, सर्जरी मुफ्त, सब कुछ सरकार करवाती है, सारा इलाज मुफ्त होता है। गुजरात के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात के अंदर भी कर देंगे। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं मैं सारी दिल्ली में करके आया हूं, पंजाब में अब करनी चालू कर दी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं चुनावी वादे नहीं कर रहा। हमारा एक सपना है कि पूरे देश के अंदर लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, पूरे देश के अंदर लोगों को अच्छा इलाज मिले, फ्री में मिले। ये एक आम आदमी का अधिकार है, लेकिन आज तक किसी ने उसको दिया नहीं है। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देंगे, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये जितनी महिलाएं हाथ खड़े करके बताएं कि 1000 रुपए महीना महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये जितने बीजेपी वाले हैं कहते हैं महिलाओं को पैसा नहीं मिलना चाहिए, इनको पता नहीं महिलाओं से क्या छिड़े। हर महीने हर महिला को 1000-1000 रुपए देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। ऊपर किसी ने दिखाया था बेरोजगार बच्चे बेरोजगार हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, इसका पूरा प्लानिंग हमने की हुई है। 10 लाख दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को। पिछले 6 महीने में भगवंत मान ने 20,000 बच्चों को नौकरी दी है। गुजरात में 5 साल के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, पूरी हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपको महंगाई से थोड़ी सी राहत दिलाएंगे। अभी कई सारे प्रश्न आए, एक प्रश्न था कि बहुत सालों से भर्ती नहीं हुई है, और दूसरे प्रश्न में था कि कई सारी पोस्टें कर्मचारी बहुत कम है, 1250 कर्मचारी किसी ने बताया कि कुल हैं, तो पोस्टें नहीं क्रिएट नहीं की गई और भर्ती हुई नहीं है, और जबकि पॉपुलेशन बढ़ती गई तो बहुत सारी नई पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। सफाई विभाग के अंदर बहुत सारी नई भर्तियां की जाएंगी, बहुत सारी पोस्टें बढ़ाई जाएंगी और बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलवाई जाएगी। एक किसी का आया कि पेपर फटते हैं, पेपर फूटते हैं, ये गुजरात में ही फूटते हैं, दिल्ली में नहीं फूटते, पंजाब में भी नहीं फूटते, गुजरात में क्यों फूटते हैं? क्योंकि इसमें इनके नेता शामिल हैं। अभी तक जितने पेपर फूटे किसी भी पेपर में कोई जेल नहीं गया, छोटे मोटे लोगों को जेल डाल देते हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड पेपर फोड़ते हैं उनको जेल में नहीं डालते। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सबकी दोबारा जांच कराएंगे और लोगों को जेल भेजेंगे। जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया इनके नेताओं को जेल भेजेंगे, कानून लेके आएंगे। अब कोई पेपर फोड़ेगा तो 10 साल की कैद, उसको 10 साल की जेल होगी, और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। आज ही मैं अभी युवाओं के साथ चर्चा कर रहा था, हमने पूरी अपनी अगले साल की एक साल की कि भर्ती का कैलेंडर क्या होगा। फरवरी के अंदर तलाटी का पेपर होगा, तलाटी का पेपर करके अप्रैल के अंदर उसके नतीजे आएंगे, उसकी पोस्टिंग करा देंगे। उसके बाद टेट का और टीईटी का और टीएटी का पेपर होगा, उसकी भर्ती करके उसके पेपर, उसके बाद टीचरों की भर्ती करेंगे, उसके बाद पुलिस में भर्ती करेंगे। अगले एक साल के अंदर जितनी भर्तियां खाली पड़ी हैं सारी भर्तियां करा के आप लोगों को आपका हक दिलाएंगे। किसी ने कहा कि फीस बहुत ज्यादा है स्कूलों में और कॉलेजों में। आपको यकीन दिलाता हूं कि स्कूल में अब आपको एक भी पैसे की, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर देंगे, एक पैसे की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेज के अंदर दिल्ली में हमने एक योजना निकाली है, जय भीम योजना। इस योजना में जो 12वीं पास करते हैं बच्चे उनको इंजीनियरिंग के पेपर देने हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं उनको आईएएस के पेपर देने हैं। आजकल कोचिंग करनी पड़ती है, कोचिंग के बिना एडमिशन नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें कोचिंग करनी। कोचिंग इतनी महंगी हो गई है, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए लगते हैं कोचिंग करने के। हमने वहां पे दलित समाज के एससी समाज के लिए योजना निकाली है, आप कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, उसका सारा खर्चा सरकार देती है, दिल्ली सरकार। पिछले एक साल में 13,000 एससी बच्चों ने उसका फायदा उठाया है। कई बच्चे आईएएस बन गए, कई बच्चे आईपीएस बन गए, 1300 बच्चों का
मेडिकल में और इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ ये कोचिंग करने वाले बच्चों का, वो योजना यहां भी लागू करेंगे। कई लोगों ने कहा कि सैलरी कम है, सैलरी कम क्यों है, सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, उनका तो 10-10 लाख रुपए का पेन है, उनका तो 10-10 लाख रुपए का सूट है, आप लोगों को 10,000 रुपए महीना भी नहीं मिलता। आपकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको खत्म करके आपको पक्की नौकरी देंगे, आप सबकी नौकरी पक्की की जाएगी, जितने कच्ची नौकरी में है ठेकेदारी पे है उसको सबको खत्म किया जाएगा। किसी ने कहा 10 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान है, दिल्ली में हम लागू करते हैं, किसी की भी अगर इस वजह से मौत हो जाती है मैं खुद जाके 10 लाख रुपए का चेक दे के आता हूं उसके घर के अंदर, अभी तक कई चेक दे चुका हूं मैं। सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए जाते, मिलने चाहिए, हम मुहैया कराएंगे। कम्युनिटी हॉल नहीं है दलित समाज के लिए, कम्युनिटी हॉल बनाएंगे, बजट की कमी है, बजट की कमी को पूरा करेंगे, जितना भी बजट की जरूरत होगी वो पूरा करेंगे। और आपकी कॉलोनीज के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली की कमी है, वो सारा मुहैया कराएंगे, मेरी गारंटी है। इनको 27 साल हो गए, अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, ये आपने गलती करी, इन्होंने आपको कच्ची नौकरी दी, आपको भी इनको कच्ची नौकरी देनी चाहिए थी पर आपने इनको पक्की नौकरी दे दी। 27 साल हो गए, अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, इनको रिटायर कर दो, अब हमें भी नौकरी दो, हमें भी काम मौका दो, एक हम भी आपको अच्छा काम करके दिखाते हैं। ये लोग मेरे को खूब गालियां देते हैं, आप पढ़ते हो गए अखबार में, टीवी में देखते हो गए, सोशल में, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल कुत्ता है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल आतंकवादी है। मेरे को ये गाली नहीं आती, मेरे को स्कूल ठीक करने आते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरे को स्कूल ठीक करने आते हैं, मैं ईमानदार आदमी हूं, आपके बच्चों के स्कूल ठीक कर दूंगा। मेरे को नौकरी देनी आती है, आपके बच्चों को नौकरी दे दूंगा। मेरे को अस्पताल ठीक करने आते हैं, आपका फ्री में इलाज करा दूंगा। मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती, वो गालियां सारी उनके जिम्मे। वो जो भी कहते हैं केजरीवाल ठग है, आप ये बताओ कौन सा ठग बच्चों का पढ़ाई का इंतजाम करता है, कौन सा ठग लोगों के इलाज कराता है। कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है, मैं आतंकवादी दिखता हूं आपको, तो गालियां सारी उनके जिम्मे। कल मैं हर्ष आपका और आपके परिवार का दिल्ली में इंतजार करूंगा।